जी अब हम प्रॉबली मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे आए हैं विच इज़ द फेसबुक एड स्ट्रेटजी ओवरव्यू। इसमें अभी भी हम इस वाले सेक्शन में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे जो कि बिकॉज इट विल बी टू ओवरवेलमिंग अगर मैं इसी के साथ बताऊँ और प्रॉब्ली आप लोग भूल जाओगे बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ फेसबुक एड्स विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस एंड ये वो पार्ट है जो आप बार 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 देख रहे हो एंड आई एक्सपेक्ट के अगर मैं किसी से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कोई इस पार्ट को समझना चाह रहा है तो उसको इस पार्ट को एटलीस्ट चार से पाँच बार एटलीस्ट लीस्ट पाँच बार देखना पड़ेगा एक बात दूसरी बात ये स्ट्रेटजी सिर्फ आपके ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं इनफैक्ट बी एट एनी बिजनेस एमेज़ॉन पी एल के लिए अगर आप कोई एड्स चला रहे हो अपनी ब्रांडिंग के लिए या लोकल एड्स चला रहे हो किसी भी चीज़ के लिए ये एड्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये पूरी स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है so, सो बिस्मिल्लाह करता है अब सबसे पहले जब हम ऐड बनाना शुरू करते हैं तो मैं आपसे सबसे पहले ये बोलूँगा कि आपने करना क्या है आपने एटलीस्ट जो भी प्रोडक्ट निकाला है उसके चार से लेके आठ मतलब बेर मिनिमम कुछ लोग तीन भी करते हैं लेकिन मैं चार ही बोलता हूँ चार से लेके कर आठ डिफरेंट विजुअल या क्रिएटिव निकाल लें डिपेंडिंग ऑन योर बजट फिर मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपके बजट के ऊपर हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है अब अगर आप ले सपोज मैं चार की बात करता हूँ आप चार क्रिएटिव या पाँच क्रिएटिव निकालते हो क्रिएटिव वीडियोस ठीक है और अभी आपने सिर्फ उनको टेस्ट करना है दिस इज़ द इनिशियल क्रिएटिव टेस्टिंग जिसको हम एक और चीज़ बोलते हैं दूसरी जबान में क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन ठीक है सैंडबॉक्स होता क्या है इट इज़ लाइक द टेस्टिंग फेज इधर हम आपने जो प्रोडक्ट निकाले हैं चार उन चारों प्रोडक्ट्स को आप एक साथ अलाइन करोगे आई I मीन mean, ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ चलाओ उनको लेकिन आई मीन टेस्टिंग तो ड्रॉपशिपिंग मैंने आप लोगों तो को बताया कि डे इन डे आउट आपको जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है एक दिन में तीन तीन प्रोडक्ट्स टेस्ट करने हैं फिर दो तीन दिन बाद उसका डिसीजन लेना है कि क्या आपको स्केल करना है या नहीं करना है इन एंड सो फोर्थ तो आपने चार या पांच या जितने भी आपने क्रिएटिवस निकाले ठीक है तीन चार पांच जितने भी आप डिपेंडिंग ऑन योर बजट और आपने उसके बाद उनको टेस्ट किया देखा सबसे बेस्ट क्रिएटिव कौन सा है सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी है और वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कैसे डिटरमिन करते हैं फिर जब आपने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया आपका एक विनिंग ऐड क्रिएटिव आ गया या दो विनिंग एड क्रिएटिव आ गए या तीन विनिंग एड क्रिएटिव आ गए आउट ऑफ सी बात है अगर तीन विनिंग एड क्रिएटिव हैं आपके पास तो आपको उनमें से कोई एक निकालना है अगर पाँच है तो दो निकाल सकते हैं अगर सात आठ हैं तो आप कोई तीन या चार निकाल सकते हैं ठीक है दैट्स हाउ इट गोस वंस यू हैव डिटर्म अ विनिंग एड क्रिएटिव कि कौन सा वीडियो एड या इमेज या कोई भी चीज़ सबसे बेस्ट थी इन सारी वीडियोज़ में एक ही प्रोडक्ट की

मैंने जैसे बोला कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं किसी की भी स्ट्रेटजी एब्सोल्युटली गलत नहीं होती किसी की भी एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं होती ठीक है देन व्हाट यू डू इज़ कि वो एक वीडियो जो आपका विनिंग वीडियो होगी उस पर जब आपके दो हज़ार से ज़्यादा जाद, लोगों ने जब नाइन्टी फाइव परसेंट उस वीडियो को देख लिया होगा मैं फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि दो हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा मैंने बोला जब 2000 लोगों ने 95 फाइव परसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो देख ली होगी तब आप उसके वीडियो व्यूज़ लुक लाइक कैंपेन बनाएंगे विच विल कंसिस्ट ऑफ जीरो से लेके फाइव परसेंट तक जीरो वन परसेंट वन से टू टू से थ्री थ्री टू फोर एंड फोर टू फाइव पांच सेगमेंट्स होंगे एंड देन यूज़ ओनली टॉप क्रिएटिव फ्रॉम इनिशियल टेस्ट सही है टॉप क्रिएटिव मैं फिर वही बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं टॉप क्रिएटिव में आपके टॉप क्रिएटिव्स भी हो सकते हैं एक या दो भी हो सकते हैं डिपेंडिंग आपने कितने डाले हैं अगर आपके तीन है तो तीन में से तो एक ही सेलेक्ट करना है पाँच है तो पाँच में से दो सेलेक्ट कर सकते हैं आठ है तो आठ में से तीन या चार सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है यूज़ ओनली द टॉप क्रिएटिव फ्रॉम इनिशियल टेस्ट उसके बाद फिर आपका आता है डेटा ड्रिविंग टारगेटिंग ये वो वाला हिस्सा होता है जिसपे आप फेसबुक को अच्छा दोनों हिस्से ये इनिशियल डाटा कलेक्शन एंड डाटा ट्रिविन टारगेटिंग इन दोनों पे ख़ास तौर पे इनिशियल टेस्ट डेटा कलेक्शन पे आप फेसबुक को डाटा पिक्सल डाटा देना शुरू कर देते हो आप बोलते हो फेसबुक लो पिक्सल डाटा मुझसे जितना ले सकते हो लो पता करो मेरे लिए बेस्ट ऑडियंस कौन है यहाँ पर आके आपको अपनी पास डाटा जो हिस्ट्री होता है जो भी डाटा आपने जनरेट करा होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एग्जैक्ट डेमोग्राफिक्स एज इंटरेस्ट कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा क्या uh, सिर्फ वेमेन बेस्ड प्रोडक्ट है या मेन भी ले रहे हैं सारी डिटेल्स आपको मेजोरिटी पता चल जाती हैं तो फिर आप उसमें नैरो डाउन टॉप इंटरेस्ट टू बेस्ट एज जेंडर एंड कंट्री फिर आप उसको फिर नैरो डाउन करते हो अकॉर्डिंग टू एज जेंडर एंड कंट्री लॉन्च न्यू इंटरेस्ट टू टू द टॉप वंस एंड लॉन्च न्यू कैंपेन फॉर ईच लुक लाइक टाइप वंस यू हैव इनफ डाटा सो ये होता है कि वन यू हैव ट्रिगर्ड ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड इवेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट सेट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने पाँच पाँच सौ इवेंट्स ट्रिगर कर दिए परचेज़ के और पाँच सौ कर दिए जहाँ बातें बात परचेज़ के पाँच सौ करें तब आप एड टू कार्ड के तो हज़ार करे होंगे और अगर एड टू कार्ड के हज़ार करें तो पेज व्यूज़ के तो कोई प्रॉब्ली पाँच हज़ार करे होंगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको तो उनके भी अलग अलग सिर्फ उन इवेंट ट्रिगर्स को लेके आप जो है ना इस बनाना शुरू कर दो ठीक है एंड uh, फिर जब वंस यू डन विद दिस दैन कम्स द साइकिल गोज राउंड एंड राउंड अगैन क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन फिर से आ जाती है और आप ये बोलते हो कि मुझे अब सही है मैंने यहाँ तक बहुत अच्छा मैंने सेल्स करी हैं लेकिन अब मुझे किसी एजेंसी को हायर करना है या मुझे किसी बड़े बंदे को देना है और ज़्यादा कस्टमाइज्ड एड्स बनाने के लिए और फिर से आप उस उन कस्टमाइज एड्स जो आप पाँच छः बनवाओगे बहुत हाई लेवल बहुत अमेजिंग उनको फिर से आप टेस्ट करोगे इन अ क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन और उसमें से जो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे फिर आप उनको आगे लेके जाओगे नॉट फॉर डाटा कलेक्शन डाटा आप इनफ दे चुके हो फिर आप डायरेक्टली डाटा डिवेंड के ऊपर जंप करोगे इनिशियल डाटा कलेक्शन को स्किप करके और अलबत्त आप लुक लाइक्स बनाने की कोशिश करोगे जो आपके विनिंग एड्स या वीडियोज़ होंगी जो नए एड्स होंगे एंड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन में आप फोकस करोगे कि आपका फुल वीडियो एंगल हो उस प्रोडक्ट को लेके स्क्रॉल स्टॉपर हो मतलब बेसिकली आपकी कस्टमाइज्ड वीडियोस बने हुई हों आप किसी एजेंसी को भले वो प्रोडक्ट भेजो अगर आपकी इतनी अच्छी सेल्स आ रही हैं कि यू नो व्हाट आई नीड टू गेट दिस डन कस्टमाइज वीडियो मैं इस बनवाना चाहता हूँ इनऑल एंड एड कॉपी थम आप टेस्टिंग करो सब कुछ करो लेट्स नॉट टॉक मोर अबाउट दिस एंड लेस्टस्ट जम्प इन टू द एप्लीकेशन पार्ट सो इनिशियल क्रिएटिव टेस्ट ये वो जो पहला बॉक्स था जो मैंने आप लोग को बताया विच इज दिस वन ठीक है सो इनिशियल टेस्ट में आप करोगे क्या आप एक कैंपेन बनाओगे वेबसाइट कन्वर्जन ठीक है और व्यू कंटेंट रखोगे आप परचेस नहीं रखोगे मुझे पता है मैंने पहले आप लोग को परचेज का बताया लेकिन मैं आपको रीजन बताता हूँ ये है क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन ठीक है और इसमें बजट ऑप्टिमाइजेशन आप रखोगे ए बी ओ नॉट सी बी ओ नॉट एल टी बी आप ए बी ओ रखोगे मतलब सी बी ओ के आप सिंपली ऑफ कर दोगे और कुछ नहीं करोगे और आप डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वीडियोज़ दैट यू हैव फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप उतने नंबर ऑफ़ सेट्स बनाओगे अगर आपके पास आठ डिफरेंट तरह की वीडियोज़ है तो आठ सेट्स बनाओगे पाँच डिफरेंट तरह की वीडियोज़ है तो पाँच सेट्स बनाओगे तीन डिफरेंट तरह की वीडियोज़ है तो तीन सेट्स बनाओगे ठीक है अभी यहाँ पर मैंने तीन की एक्जाम्पल दी हुई है और आप उसमें यूएस फॉर एग्जाम अभी मैं ये नहीं बोला यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया रखना है आपको थोड़ा आइडिया हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है जो कैनेडा में सर्दी बहुत होती है अब आप वहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट रहे हो जो गर्मियों के लिए है तो दैट वुड प्योर दैट वुड बी लेम राइट तो कैनेडा आप एक्सक्लूड कर दोगे ऑटोमेटिकली और गर्मियाँ हैं तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करोगे यू के को भी कर सकते हो <coughs> तो दैट्स हाउ यू गो अबाउट और फिर आप करोगे क्या सब में आप इंटरेस्ट टारगेटिंग सेम रखोगे और कॉमन जो मैंने आप लोग को बताई थी लेट्स गो बैक टू दैट प्लेस नॉर्मल एंड कॉमन टारगेटिंग ये जो मैंने बात करी है यहाँ पे एक इंटरेस्ट ऐड करोगे मैक्सिमम दो कर लोगे इससे ज़्यादा नहीं एक इंटरेस्ट ऐड करोगे सही है और सब में जो है आप करोगे ये कि इंटरेस्ट ऐड करने के बाद यू विल मेक श्योर के जितने भी इंटरेस्ट ऐड हुए हुए हैं उसको आप डिराइव करोगे इस तरह उस मतलब उस पूरे कैंपेन को आप ऐसे ड्राइव करोगे कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं करोगे ना डेमोग्राफिक्स ना एज ना प्लेसमेंट्स हर चीज़ ओपन रखोगे या तक खैर मैंने ये चीज़ करी है कि मैंने एज को भी 18 से लेके प्रोडक्ट अगर मुझे पता भी था कि 30 से प्लस वाले लोग लेंगे लेकिन मैं बेसिकली फेसबुक को क्रिएटिव सेंड कैंपेन में जरा थोड़ा बहुत डेटा भी देना चाह रहा था और मैं खुद भी समझना चाह रहा था प्रोडक्ट को कि यार एम आई श्योर कि ये प्रोडक्ट सिर्फ थर्टी प्लस को ही अप्लाई करती है तो इफ़ यूर हंड्रेड परसेंट श्योर यू कैन पुट एज ब्रैकेट्स के मतलब अट्ठारह से मैं सिक्सटी फाइव प्लस तक रखता हूँ आप सही आप कर लें अगर आपको पता है फॉर फैक्ट कि नहीं ये थर्टी या थर्टी वन प्लस से लेके फिफ्टी तक चलता है तो ठीक है यू कैन पुट एज ब्रैकेट्स बट यू हैव टू पुट एज ब्रैकेट्स सेम ऑन एवरी एडसेट सब कुछ सेम होना है सब कुछ सेम होना है आई कैन नॉट एम्फोसाइज इनफ ऑन दिस कोई चीज़ चेंज मत कीजिएगा एडसेट वन टू थ्री सब में कंट्री सेम होंगे एज ब्रैकेट सेम होंगे मैं ओपन रखता हूँ मैंने जैसे आपको बताया ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स रखता हूँ uh, एक इंटरेस्ट टारगेट रखता हूँ सब में सेम होता है सारे एडसेट्स में आई नो थोड़ा सा आप सोचोगे कि क्या कर रही है ये बंदा एंड सेम कंट्रीज सब कुछ सेम रखता हूँ जब मैं ऐड लेवल पर आता हूँ विच इस सेट के बाद जो आता है एड लेवल उसमें सिर्फ उसमें मेरी एड कॉपीज भी सेम होती हैं मेरी हेडलाइंस भी सेम होती हैं सब कुछ सेम होता है सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है वो होता है क्रिएटर एंड देन आई पुट अ लिमिट इन ऑन टू इट सारे सेट्स पर मैं एक लिमिट लगा देता हूँ कि पाँच डॉलर मतलब या तो आप ये लगा सकते हो कंडीशन कि थाउजेंड इम्प्रेशन जैसे ही रीच हो वो सेट अपने आप किल हो जाए ऐसा होता है ना कि कोई ऐड सेट जल्दी तेज चल रहा होता है कोई हल्का चल रहा होता है आप ये लिमिटेशन लगा सकते हो जैसे ही थाउजेंड इम्प्रेशंस पे पहुंचे किल हो जाए वो ऐड वहीं पे या जैसे ही मेरा ये ऐड पाँच डॉलर पे पहुंचे किल हो जाए वहीं पे तो थाउजेंड इंप्रेशन आप कर सकते हैं एक ऑटोमेटेड रूल लगा सकते हैं वो मैं अभी बताता हूँ कैसे लगा सकते हैं लुक एट जब आपके रिजल्ट आ जाएँ तो आपने देखना है क्लिक थ्रू रेट कॉस्ट पर क्लिक कॉस्ट पर यूनिक कॉन्टेंट व्यूज़ कॉस्ट पर यूनिक एड टू कार्ड और कॉस पर क्लिक भी मतलब ये चार पांच आपके डिफरेंट वो ऐप मैट्रिक्स है वो आपको एनालाइज करने होंगे बैठ के मैं एक डिसेबल्ड एड एड अकाउंट से मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ हम कर रहे थे बेसिकली अ सेकंड सो स्नो स्क्रैपर ठीक है क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नाम भी डाला हुआ है क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन यहाँ पे आपको चार एड्स नज़र आ रहे हैं और आप ये देख सकते हो कि मैंने चारों एड्स में सेम बिल्कुल कंट्रीज डाले हुए हैं सेम एज ब्रैकेट्स रखे हुए हैं सेम इंटरेस्ट रखा हुआ है ड्राइविंग यहाँ पे भी यही है इन चारों में बिल्कुल सेम है कोई फ़र्क नहीं है अब आगे क्रिएटिव पर अगर हम आते हैं तो मैं एड सेट्स के ऊपर सिर्फ से सलेक्शन हटा दूँगा और डायरेक्ट कैंपेन लेवल के एड्स पे जाऊँगा मैं तो लीव द रिजेक्टेड वगैरह ये सारी चीज़ अभी आप भूल जाइए आपका कंसर्न नहीं है ये एड अकाउंट डिसेबल्ड इस वजह से आ रहा है ठीक है, 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 है सब पे जो क्रिएटिव है जो एड है जो वीडियो है वो चेंज है सब पे अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता ओके सो आई थिंक ये पेज भी डिलीट हो गया है सो so, uh, ये पेज भी डिलीट हो गया है ये मेरे क्लाइंट का था सही है और uh, आप ये देख सकते हो कि अगर आप गौर से देखो थंबनेल इसकी छोटी सी आ रही है इस सब पे जो है ना डिफरेंट है अब मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना वो वे कि आपको एड लेवल पे आके क्रिएटिव सैंडबॉक्स पे एनालाइज़ करना है रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उसके लिए आप जाएंगे कस्टम पे क्लिक करेंगे या तो आप कस्टम कॉलम्स रख लेंगे और कस्टम कॉलम्स पर वो वाले कॉलम्स रख लेंगे जो मैंने आपको रखने के लिए बोला है अपनी स्लाइड्स में या दूसरा तरीका ये है मैं वैसे पहले अच्छा कस्टम मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ सही है थ्रू रेड uh, um, और uh, ये हो गया मैं इन दोनों को रख लेता हूँ और उसके साथ में रख लेता हूँ एड टू कार्ट यूनिक ठीक है आ, न, अच्छा टोटल भी रख सकता हूँ मैं ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें सो यू कैन ऑलसो कीप टोटल इनके ऊपर से टिक्स आप हटा सकते हो वो आपको बायफिकेट करके बता रहा होता है कि सब में क्या क्या कितने आए अगर आप बस टोटल रख लो तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा टोटल कितने आए एंड परचेज भी रख लो आप क्या पता आपके क्रिएट्स टेस्टिंग में परचेज़ ही आ जाए हो जाता है कुछ लोग सम पीपल आर वेरी लकी अबाउट इट सही है मैं सारे इंपॉर्टेंट वाले आपको बता रहा हूँ कंटेंट कॉन्टेंट सो मैंने ये रखा है सी पी सी कॉस पर लिंक क्लिक नॉट सी पी सी ऑल क्योंकि सी पी सी ऑल में जो है ना वो link, वो क्लिक्स भी आ जाते हैं जो कोई अगर एड देखा हो पेज आ रहा होता है पेज के ऊपर क्लिक कर दिया ठीक है वो भी आ जाता है वी गॉट यूनिक लिंक क्लिक क्लिक थ्रू रेड लिंक क्लिक थ्रू रेड वी हैव एड टू कार्ड परचेज एंड कंटेंट व्यूज़ भी हैं अच्छा अब इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम जैसे कोई फनल होता है ना उस तरह अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए कंटेंट व्यूज़ होता है फिर रेड टू कार्ट होता है फिर पर परचेज़ होता है उससे पहले हमारे पास सीपीसी सीपीसी सी में थर्ड रख लेता हूँ यूनिक लिंक हाँ ठीक है आई थिंक ये और एक चीज़ और वीडियो सेवेंटी फाइव मिनट अच्छा अब आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग ना इसका आम, आप इसको सेव कर सकते हो बकायदा अप्लाई करा और अप्लाई करने के बाद इसको आपने फॉर लाइफ सेव कर लिया आपने बोल दिया आम, कुछ भी नाम रख दें मैट्रिक्स के नाम से आपने इसको सेव कर लिया मैट्रिक्स के नाम से यहाँ पे आ गया अब लेट सपोज़ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी आता है तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो ठीक है या तो आप इसको सेटस इस डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो ठीक है तो अब आप ये देख सकते हो कि ये मैंने इसके ऊपर ऐड चलाया था हां एक मेन मैट्रिक में भूल गया इस पर ऐड करना वो है अमाउंट स्पेंट अच्छा तो आप अब आप एक चीज गौर करो अब दिस इज द एरिया वी नीड टू फोकस दिस इज डाटा एनालिटिक्स ठीक है दिस इज प्योर डेटा एनालिटिक्स अमाउंट स्पेंट सब पे तकरीबन सेम हुआ हुआ है अब मैं हर वक्त चौबीस घंटे तो नहीं बैठा हुआ था ना सब पे इलेवन डॉलर पर ही कैसे एंड हुआ है मोर लेस इतनी फ्लक्चुएशन होती है पॉइंट में लेकिन सब पे इलेवन डॉलर पे कैसे एंड हुआ हुआ है ये मैं आपको बता देता तो हूँ अभी कैसे हुआ हुआ है लेकिन पहले हम इसको डाटा को एनालाइज करेंगे ये जो जितनी भी वीडियोस के ऊपर सेम अमाउंट स्पेंड हुई लेकिन सेम अमाउंट स्पेंड के साथ एक चीज़ और मैं करना भूल गया सीपीएम एंड टोटल इंप्रेशंस भी एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूंगा छोड़ो um, छोड़ो बस सीपीएम सीपीएम इज मोर देन एन तो विद um... impressions. जी विद इलेवन डॉलर स्पेंट इवनली वाई डू वी हैव लोएस्ट इंप्रेशन इवन दो कि इस पर सबसे ज़्यादा एक तरह से पैसा खर्च हुआ है एक तरह से आप कह सकते हो लोएस्ट इंप्रेशन हमारे जनरेट हुए हैं uh, मैं इसको नाम भी देख सकता हूँ अच्छा सो so, सो <coughs> so, हम लोग ने यहाँ पर जो है एड्स को रिनेम कर दिया है ए बी सी डी ताकि हम लोग एग्जैक्टली ये डिटर्मिन कर पाए कि भाई दिस वाज अ विनिंग एड नेम इससे पहले सारे सेम थे अमाउंट्स uh, स्पेंट मैंने जैसे बताया तकरीबन सब में सेम है इम्प्रेशंस में सबसे हाइस्ट इम्प्रेशन हमारे पास बी में आए हुए हैं लेट्स सी कि अगर बी में हमारे पास हाइस्ट इम्प्रेशन आए हुए तो पहले मैट्रिक में हम बोल सकते हैं कि भाई बी इज़ द विनर क्या हमारे पास बाकी कॉलम्स में भी क्या बी ही विनर रहेगा लेट्स डिटर्मिन दैट सी पी एम हाइस्ट हमारे पास एक्सक्यूज मी हाई आवे फोर पॉइंट सेवन सिक्स ऑन ए सो डेफिनेटली बाई फार दिस इज़ नॉट द विनिंग एट प्रॉब्लली ये कास्ट आउट हो जाएगा लेकिन अभी मजीद हम और मैट्रिक्स में इसको एनालाइज करेंगे सारे एड्स को नेक्स्ट um, सबसे हाईएस्ट जो है हमारा बी है इसमें एक्सक्यूज़ <coughs> मी और um, लेकिन एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा एज यू कैन सी कि सिर्फ ए एंड बी में पॉइंट सम सेंट्स का फर्क है कि इनकी स्पेंडिंग जो है थोड़ी सी ज्यादा है राइट right? तो हम अभी फ़िलहाल सी पी एम को बोल सकते थे हम ऐसा हो सकता है कि हो सकता है जब ये पॉइंट टू टू 11.22 पहुँचता एलेवन 11 पॉइंट टू टू या 11 को टच करता तो ये थोड़ा सा इसका सी पी एम फ्लक्चुएट कर चुका होता मे बी ये फोर पे पहुँच चुका होता मे <coughs> बी और थोड़ा सा ड्रॉप कर चुका होता तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ बहुत आराम से कि सी हमारे पास सी एंड डी विनर्स हैं बट यहाँ पे एक ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई है कि हमारे पास हाईएस्ट इंप्रेशन्स जो रीच हुए हैं विद द अमाउंट स्पेंट वो यहाँ पे फिर हम इधर थोड़ा सा एच दे सकते हैं बी को क्योंकि इसकी अमाउंट स्पेंट भी सबसे ज़्यादा थी लेट्स सी इन्हीं मैट्रिक्स को बाकी एरियाज़ में हम डिटर्मिन करते हैं यूनिक लिंक क्लिक्स हमारे पास बाई फार बी में बहुत ज़्यादा हैं और यूनिक क्लिक थ्रू रेट भी हमारा जो है वीडियो uh, बहुत ज़्यादा अपीलिंग है ये बता रही है बेसिकली ये मैट्रिक सी का हमें ये बताता है कि इसके पहले पाँच सेकेंड या एज अ द होल द होल वीडियो ठीक है इसमें कुछ ऐसा एस्पेक्ट था जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब में सेम है ये याद रखिएगा प्रोडक्ट को डिफरेंट वीडियो प्लेसमेंट्स मतलब वीडियो के एंगल्स डिफरेंट है इसमें वीडियो डिफरेंट तरह के दिखाए हुए हैं या प्रोडक्ट के फीचर्स दिखाए हुए हैं किसी में fun, कोई फंक्शनल वीडियो होगी कोई किसी और तरह की वीडियो होगी वीडियो डिफरेंट है सारी लेकिन प्रोडक्ट सेम है सेम प्रोडक्ट की वीडियोज हैं तो प्रॉब्ली इसमें यूज ज्यादा बेहतर दिखाया हुआ होगा प्रोडक्ट का या कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा इस वीडियो में जिसकी वजह से क्लिक थ्रू रेट इसका हाइस्ट रहा है बट आप इसमें जो है ना द फेसबुक face, कि जो रिजल्ट हैज टू बी द बेस्ट जज वेन यो वर्किंग एज एन ऑन्टरप्रेन्योर कभी कभी आपका दिमाग इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है प्री ऑक्यूपाइड होता है विथ सो मैनी स्टफ मुझे जो है एड्स बनाने हैं मुझे जो है फिर उनको फेसबुक एड्स के ऊपर देखना है रिजल्ट को देखना है स्केल करना है और नए प्रोडक्ट्स को मुझे टेस्ट करना है विनिंग प्रोडक्ट्स को इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग क्लटर होता है कि आप आप प्रॉबेबली सही तरीके से एज एन ऑडियंस नहीं जज कर पाते इन द फर्स्ट गो कि ये ऐड विनिंग एड होगा कि नहीं तो इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना वो ये होता है कि आप जो हैं ये रिजल्ट्स एनालाइज करें जब फेसबुक आपको उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स दे दे राइट right? बिकॉज आप एक सैम्पल साइज पकड़ रहे हो सबका विद ओनली वन वेरिएबल एंड देन आप उसको जो है ना एनालाइज कर रहे हो रिजल्ट को सी पी सी लोएस्ट हमारे पास जो है वो बी में है ठीक है मतलब अगर हम ये बोलें कि लेस सपोज़ विथ थाउजेंड डॉलर स्पेंड ऑन ईच ऐड बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो क्रिएटिव टेस्टिंग नहीं करते और वो डायरेक्टली एड्स पकड़ते हैं और उनके ऊपर जो है ना बजट लगा देते suppose, month, month road, हैं लेस सपोज टू मंथ थ्री मंथ डाउन द रोड सबके ऊपर थाउजेंड डॉलर स्पेंट हुए हुए हैं और यही सारे रिजल्ट निकले हुए हैं और तब आप ये चीज़ डिटर्मन कर रहे हो यार शिट सबसे लोएस्ट सी पी सी तो बी में था और अगर हम इस पर पैसा लगा देते तो ज़्यादा रीच होती राइट विथ सेम अमाउंट स्पेंट ज़्यादा इम्प्रेशन ज़्यादा लोगों को आपका एड दिख रहा होता बिकॉज इसका सी पी सी सबसे लोएस्ट है और आपकी प्रोडक्ट की रीच ऑब्वियसली ज़्यादा होती ज़्यादा लोगों को पता चल रहा होता तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग जहाँ पे um, आप, आप को पहले से आपको अगर पता होता तो आप यहां पे ज्यादा पैसा लगाते कंटेंट व्यूज भी इस वजह से सबसे हाइस्ट इसमें है और यहां पे फिलहाल हमने ये डिटर्मिन कर लिया कि द एड बी इज डेफिनेटली द एड दैट ई शुड गो फॉरवर्ड विद बट इसमें आप एक दो चीजें और हैं जो मजीद में एनालाइज करने को आपको बोलूंगा ठीक है अब लेट्स जंप ऑन टू तो वीडियो प्लेज एंड स्किप एड टू एंड परचेजेस फॉर नाउ इसमें देखते हैं हमारे पास विनिंग एड है फिलहाल बी में जो है एक दो तीन चार पाँच पाँच मैट्रिक्स बता रहे हैं कि डेफिनेटली बी इज योर विनर एड एंड यू शुड प्रोसीड विद दिस एड इन द सेकेंड फेज बट लेट्स सी वीडियो प्लेज एट सेवेंटी फाइव एंड नाइन्टी फाइव परसेंट व्यूज पे सबसे हाएस्ट किसके रहे हैं लेट्स जस्ट एनालाइज नाइन्टी फाइव परसेंट व्यूज यवेंटी फाइव परसेंट व्यूज इन फैक्ट हाइस्ट प्लेज हमारे आई मीन सेवेंटी फाइव परसेंट जो सपोज दस हजार लोग थे दस हजार लोगों में से आ, या सपोज हजार लोग थे हजार लोगों अगर हजार लोगों ने आपकी वीडियो देखी ठीक है और उसका भी आप कॉलम डाल सकते हैं कि कितने वीडियो व्यूज हुए इस पर्टिकुलर एड में कितनी ऐसी उसमें से ऑडियंस थी जिन्होंने आपका एड अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट कंप्लीट वीडियो देखी तो ये टू सिक्सटी फोर लोग वो हैं जोने आपकी वीडियो 75% परसेंट वीडियो देखी है ठीक है विच मीन्स इनके पास इन आपका जो प्रोडक्ट का या आपके ब्रांड का जो मैसेज था वो पूरा पहुंचा है। दे नो द यूज द फंक्शनैलिटी द फीचर्स एंड अगर ये नहीं खरीदते इसको तो क्या अपॉर्चुनिटी ये लोग लूज कर रहे हैं एंड ऑफर क्या है इस पर दे नो एवरीथिंग अबाउट इट सही है तो ये मैट्रिक भी हमें यह बताता है कि ये बेसिकली ये मैट्रिक जो है ना हमें दो चीजों में काम आता है बाद में रीटारगेटिंग में काम आता है लाइक्स क्रिएट करने में काम आता है इससे हम लोग को काफी चीजें डिटर्मिन हो जाती हैं और प्लस ये भी बताता है कि आपकी इस वीडियो को <coughs> आ, किस परसेंटेज तक देखा गया है ठीक है तो आ, इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट uh, विनर जो है वो डी ही है हम बोलेंगे इनफैक्ट द ओनली विनर बट इसमें जो सेकंड इन लाइन है वो अगेन बी है और अगर अब इफ आई हैव टू मेक अ डिसीजन तो मैं बोलूँगा ठीक आई आई स्टिल गो विद बी बिकॉज बी जो uh, पांच मैट्रिक्स में या चार मैट्रिक्स में विनर है एक मैट्रिक में जो है वो सेकेंड पर है तो आई वुड स्टिल गो विद बी नाउ लेट्स कम टू एड टू कार्ड्स एंड परचेजेज नाउ मैंने बोला कभी कभी टेस्टिंग में भी आपके पास परचेजेज वैसे बहुत एक ऐसी चीज़ है कि तुक्का लग गया या फिर बहुत लकी थे आपके आपके पास परचेज आ गए ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज बट एड टू कार्ड्स तो आ जाते हैं टाइम्स ठीक है सो बिकॉज एड टू कार्ड्स आर वेरी क्लोज टू योर मेन के पी आई विच इज परचेज हम इसको जो है ना कंसिड्रेशन मतलब वेटेज जो है पॉइंट वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा देंगे मैं आपको एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकता कि मैं ये बोलूँ नहीं जो बाकी पाँच मैट्रिक्स हैं उनसे डेफिनेटली उनसे डेफिनेटली हाई है ये लेकिन अम, अगर मैं लेट्स सपोज पांच एड्स के साथ स्प्लिट टेस्टिंग कर रहा होता अभी राइट right नाउ तो उसके बाद मैं इन दोनों को लाइक इस इस एड को तो डेफिनेटली सेकंड फेज में लेके जाता फिर मेरा सेकंड क्राइटेरिया ये होता कि अगर मुझे सेकंड ऐड सेलेक्ट करना है तो या तो अगर मेरे पास एड टू कार्ट किसी में भी नहीं आए हुए तो मैं सेकेंड बेस्ट इनमें से सेलेक्ट करूंगा लाइक like अगर मुझे पांच एड्स है मेरे पास पांच में से दो को क्वालिफाई करना है मुझे सेकंड फेज में डाटा कलेक्शन कैंपेन में तो मैं पांच में से दो बेस्ट चूज करूंगा ऑब्वियसली फर्स्ट बीइंग जिसके सबसे बेस्ट एड्स हैं रिजल्ट्स हैं सेकंड बीइंग जिसके सेकंड बेस्ट रिजल्ट्स हैं लेकिन अगर मेरे पास एड टू कार्ड्स आए हुए हैं तो फिर मैं सेकंड जो एड सेलेक्ट करूंगा वो मैं यूजुअली सेलेक्ट करूंगा जिनके पास हाईएस्ट एड टू कार्ड्स हैं हाइस्ट एड टू कार्ड्स नॉट सेकंड हाईएस्ट तो तभी मैं डी को नहीं कंसीडर कर रहा हूं और मैं ए को कंसीडर कर रहा हूं इस केस में और ऐसे हमारे पास केसेस इवन रियल लाइफ में भी आते हैं कि जब आप डेटा एनालिटिक्स करने बैठते हो अपने पुराने कैम्पेन्स का जो आपने चलाई होती हैं जिसके ऊपर आप उन्हें थाउजेंड्स और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगाए होते हैं एंड जब आप सी आर एम लेवल पर बैठ के देखते हो कि यार अल्टीमेट परचेजेस आपके पास कौन से से आए या इवन आप एड अपने फेसबुक एड अकाउंट से बैठ के देखते हो ऐड्स मैनेजर पर देखते हो उन चीज़ों को तो समाइम्स इट टर्नस आउट कि जिनका सबसे हाइस्ट सी पी एम था विच इज़ बैड विच इज जिनका सबसे हाइस्ट सी पी एस सी पी सी था जिनका एवरेज वीडियो प्ले व्यूज थी और लिंक क्लिक थ्रू रेट्स भी बहुत अमेजिंग नहीं थे उन एड्स की अल्टीमेट जो आपका गोल है परचेजेस बाकी सब में वो लूज कर गए लेकिन जो अल्टीमेट के था परचेजेस या एड टू कार्ड्स उसमें उनकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स ऐसी केसेस होते हैं ऐसी केस स्टडीज होती हैं और मैंने क्योंकि काफ़ी तकरीबन 600 से 700 डिफरेंट गोरे क्लाइंट्स के साथ मैंने काम करा हुआ है और मेरे काफ़ी डिफरेंट बड़ी कंपनीज के साथ भी उनके ऐड अकाउंट्स रन करे हुए तो इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं तो उन एड्स को भी हम कंसिड्रेशन में लेते हैं और उनको भी फिर हम सेकेंड फेज में पुश करते हैं कि मजीद उनका पोटेंशियल देखने के लिए कि चलो ठीक है रिगार्डलेस इसके सी पी सी हाई है सी पी एम हाई है यूनिक क्लिक थ्रू रेट इसका बहुत कोई प्रोमिसिंग नहीं है वीडियो प्लेज भी कोई बहुत प्रोमिसिंग नहीं है लेकिन अगर इसका कॉस पर ऑर्डर या पर रिजल्ट उतना ही अच्छा है जो विनिंग एड का है या बहुत ऑप्टिमम लेवल पर है जिस पे हमें रिजल्ट्स चाहिए ठीक है टू हेल्प विद इट हम बाकी मैट्रिक्स को इग्नोर करते हैं और हम इसके साथ जाएंगे प्रोसीड करेंगे तो लेकिन इस केस में क्योंकि हम हमने चार एड्स चलाए हुए हैं तो आई विल गिव बी द बेनिफिट ओवर हेयर एंड आई विल प्रोसीड विद बी बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा एड एट लोएस्ट कॉस्ट पर क्लिक पे मैक्सिमम ऑडियंस को रीच आउट हो और मैंने यहाँ पे इन चारों एड्स को सेम लेवल पे एनालाइज किया हुआ है मतलब सिर्फ एक वेरिएबल है इंटरेस्ट टारगेटिंग सेम है बाकी सारी चीज़ें सेम है सिर्फ मैंने यहाँ पे जो इसको बेनिफिट दिया हुआ है बेनिफिट नहीं दिया हुआ इनफैक्ट सॉरी एक जो वेरिएबल रखा हुआ है वो सिर्फ ऐड का है तो मैंने सबको इक्वली ट्रीट किया हुआ है सिर्फ एक मैट्रिक पर मैंने जज किया हुआ है इसको वो है ऐड तो आई विल प्रोसीड विद बी एंड यहाँ पे अब अब ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं अब यहाँ पे आपको दो और जो मज़ीद चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वो ये कि आप ये कैसे करा मैंने कि मैंने एग्जैक्ट एलेवन डॉलर्स या टेन डॉलर्स के करीब मैंने इसको एंड कर दिया किल कर दिया इस को तो इवन इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल एट योर डेस्क एंड यू वॉन्ट द एड्स टू बी टू स्टॉप ऑन अ सर्टन लेवल वो भले इम्प्रेशन हों रिज़ल्ट हो कॉस्ट पर रिजल्ट हो अमाउंट हो, हो उसका तरीका ये होता है कि आप जो है सारे एड सेट्स को सेलेक्ट करो और आप उसके ऊपर एक रूल लगाना चाह रहे हो ठीक है तो वंस यू सेलेक्टेड ऑल द एड्स क्रिएट अ रूल इसके दो तीन तरीके हैं ये भी कर सकते हो आप एड सेट्स को सेलेक्ट करे बगैर आप जो है ना रूल क्रिएट करो एंड देन आप इंप्लीमेंट कर दो इन <coughs> एड्स के ऊपर क्रिएट अ रूल लेट्स सपोज किल एट टेन डॉलर्स फॉर एग्जांपल आप इसको इम्प्रेशन भी कर सकते हो किल एट थाउजेंड है जैसे मैंने एक्जाम्पल दी हुई है थाउजेंड इंप्रेशन के साथ भी कर सकते हो आप और आपने बोला कॉस्ट पर रिजल्ट अच्छा सो कॉस्ट पर रिज़ल्ट वाले मैट्रिक आप नहीं सेलेक्ट करोगे कि लेट कॉस्ट पर रिज़ल्ट ये आ रहा हो बिकॉज कॉस्ट पर रिजल्ट आप इसको लेटर ऑन टेस्ट अपने जब आप परचेज कैंपेन चला रहे होगे आपका सारा डाटा एनालिटिक्स हो गया होगा और आप स्केल कर रहे हो गए ऐड्स को तो आप ये रूल इंप्लीमेंट कर सकते हो कि यार जब मेरा ले सपोज आपका प्रोडक्ट है योर प्राइजिंग योर प्रोडक्ट एट फिफ्टीन डॉलर्स एंड योर प्रोडक्ट कॉस्ट डेट योर इन करेंगे फाइव डॉलर्स एंड अगर आपकी जो आप ये बोलते हो सर ये ब्रेकिंग इन पे भी अगर मेरे पास रिजल्ट्स आते हैं तो आई एम गोइंग टू बेयर इट तो फिफ्टीन डॉलर्स पे अगर आपकी सेल आती है तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट क्या हुआ फिफ्टीन डॉलर्स राइट तो आप ये बोलते हो ठीक है फिफ्टीन डॉलर पे मैं इसको किल करना चाहूंगा तो फेसबुक प्लीज़ जैसे ही मेरा एड फिफ्टीन डॉलर पे पहुंचे किल दिस ऐड ठीक है आप ये भी कर सकते हो लेकिन हम फिलहाल ये नहीं कर रहे होंगे हम स्पेंट के ऊपर कर रहे होंगे एंड स्पेंड जैसे ही हमारे टेन डॉलर पे पहुंचे और आप इंप्रेशन भी कर सकते हैं इंप्रेशन थाउजेंड कर लो मैं बोलूंगा आप लोग इंप्रेशन के ऊपर लेके चलो जैसे ही हर एड सेट इंडिविजुअली जैसे ही टेन डॉलर पे थोड़ा सा भी आगे निकलेगा ना लाइक पॉइंट्स में तो वो ऑटोमेटिकली उस एड सेट को किल कर देगा देअर एंड देन ठीक है एंड आई विल क्रिएट दिस रूल सबसेट है हाँ ठीक है एंड नाउ दैट दिस रूल हैज़ बिन क्रिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड मैं आप लोग को एक और तरीका बता देता हूँ आईव रिमूव ऑल द टेक्स एंड मैं फिर से वापस से लेट्स सपोज आपने वैसे ही यहाँ पे क्लिक करके आपने क्रिएट रूल कराओ और अब आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसका दूसरा तरीका ये आप सारे सबको सेलेक्ट करो एंड आप करो अप्लाई एन एग्जिस्टिंग रूल एंड किलर टेन के ऊपर आपने टिक करा एंड अप्लाई कर दिया एंड सेव रूल एंड इस तरह आपका किलर टेन ओवरलैप नहीं होता वो वही एक ही रूल इंप्लीमेंट होगा तो वो आपने इंप्लीमेंट कर दिया आई I मीन mean, उस पर्टिकुलर मैट्रिक का जो रूल है वो ओवरलैप नहीं करेगा ये हो गया आपका अब अब आ जाए एक और केस um, के ऊपर बेसिकली एक केस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूं एलई डी डॉग कॉलर का या आई थिंक दिस इज दन तो हम लोग ने बेसिकली एल ई डी डॉक कॉलर के ऊपर हम लोग ने सेल्स अच्छी खासी स्कोर करी थी इस पर अच्छा रिजल्ट आया था हम लोग ने इसको पहले क्रिएटिव सेंड बॉक्स कैम्पेन में डाला था हमने अच्छा कॉन्ट रिमेंबर कि कहाँ से स्टार्ट था ये आई थिंक यहाँ से स्टार्ट था एक्जैक्टली exactly. तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी अमाउंट पेंट्स हमारे पास सेम है लेकिन अगर आप कैंपेन लेवल पर जाओ तो आप ये देखोगे कि ये तीनों एड्स थंबनेल के ऊपर देखो तीनों एड्स डिफरेंट हैं और इन तीनों एड्स के ऊपर जब हम लोग ने एड्स चलाना शुरू करे तो हमारा आप रिजल्ट देख सकते हो हाएस क्लिक थ्रू रेट हमारे पास इस पर्टिकुलर एड का है इस पर मैंने ए बी सी नाम नहीं रखा हुआ लेकिन पता चल रहा है आपको सही है इम्प्रेशन जो हैं आपके सबसे कम है इस पर लेकिन फिर भी हाइस्ट क्लिक थ्रू रेट है सी पी सी सी पी एम इसका हाई है यूनिक क्लिंक क्लिक्स जो थे ऑलमोस्ट विथ सेम अमाउंट पेंट इसके uh, सबसे हाइस्ट लिंक क्लिक्स हैं तो इन दो में इवन दो सी पी एम एम इम्प्रेशंस जो है गो रिलेटिवली क्लोज टुगेदर तो अगर आप एक को भी देख लो तो दूसरे का आपको आइडिया हो जाता है लेकिन अगर आप सी पी एम के ऊपर भी जज कर रहे हो सिर्फ एक मेट्रिक के ऊपर तो आपको वह चल गया चलो सी पी एम में सबसे हाइस्ट है जैसे मैंने आपको बताया लेकिन सबसे ज़्यादा क्लिक्स इसके हुए हैं विथ सेम अमाउंट स्पेंट मतलब ज़्यादा ऑडियंस ने इस एड को देखा है और आपकी वेबसाइट पे गए इस ऐड को क्लिक करने के बाद मतलब इस एड में कुछ ऐसा एस्पेक्ट था जिसकी वजह से लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गए क्लि हाइस्ट क्लिक थ्रू रेट और इनका बाय फार बहुत कम क्लिक थ्रू रेट था सी पी सी लोएस्ट हमने जो स्कोर किया है वो हमने इसी एड पर किया है जो कि हमारा जिसपे सबसे हाईस्ट क्लिक थ्रू रेट रहा है और कॉन्टेंट व्यूज़ भी हाइस्ट ऑब्वियसली हमारे पास होंगे एंड वीडियो प्लेज में भी सेवेंटी फाइव परसेंट जिन्होंने वीडियो देखी है सबसे ज़्यादा वो भी यही वाली एड है तो हम इसको सेकेंड फेज में लेके गए थे अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे कि सेकेंड फेज में जब हम लेके गए ना तो हमारा आई होप ये वाला एड हो हाँ जब हम इसको सेकेंड फेज में लेके गए थे इस एड को तो हमारा जो क्लिक थ्रू रेट था एंड आई होप दिस इज़ द वन हाँ हमारा क्लिक थ्रू रेट जो था वो एकदम से गिर कर तकरीबा जीरो पॉइंट एट फोर एंड जीरो पॉइंट सेवन सेवन एंड सो एंड सो फोर्थ पर आ गया था और ये हम सी बी ओ पे चला देते थे बहरहाल मैं अभी इस पर नहीं आ रहा कि मैं सी बी ओ पे क्यों गया ऑल दैट लेकिन हमारा जो क्लिक थ्रू रेट था वो बहुत गिर गया था एंड दिस वाज लाइक केम एज अ सरप्राइज टू अस कि चलो अगर गिरता भी तो नौ से पाँच पे आ जाता क्योंकि जब आप ज़्यादा डाटा एक्वायर कर रहे होते हो तो आपके जो थे जो सैम्पल साइज थाउजेंड इम्प्रेशन या टेन डॉलर्स बहुत कम होता है लेकिन आप उस पर एक एक फिर भी एक आउटकम निकाल लेते हो आउटकम के लिए काफ़ी होता है जब आप थाउजेंड डॉलर्स खर्च कर रहे होते तो वह आपका क्लिक थ्रू रेट नाइन परसेंट पर नहीं इनफैक्ट बहुत कम पे आ जाता है फोर फाइव परसेंट पे या टू परसेंट पर भी आ जाता है तो हमने इस पर ज्यादा अमाउंट स्पेंट ही नहीं करी लेकिन आप ये देख सकते हो सिक्सटी डॉलर स्पेंड के साथ एकदम नौ से इतने पर कैसे आ गए तो हम बहुत परेशान थे इस पर हमने बोला ये कैसे हो सकता है तो बार आत पर हम लोग ने क्लोजली देखा तो उसका बहुत एक बहुत विजिबल एक रीज़न था जो हमने ओवरलुक कर दिया था यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे हमने जो थंबनेल रखा हुआ है एंड थंबनेल का भी बहुत इम्पैक्ट होता है लोग क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन में आ, मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा कि आप लोग इतनी टेस्टिंग करो आप लोग के लिए इतनी टेस्टिंग मेरे ख्याल से काफ़ी है लेकिन बहुत सारे लोग अपनी टेस्टिंग को दो से तीन लेवल्स तक लेके जाते हैं इससे पहले वो डाटा कलेक्शन में लेके जाएँ मतलब पहले क्रिएटिव टेस्टिंग करी उसके बाद थंबनेल टेस्टिंग करी विद द विनर एड मतलब इसी एड को सेलेक्ट करा वो फिर सेकेंड फेज में लेके गए और डिफरेंट थमनेल्स ट्राई करे तो हमने थंबनेल जो था ना एक्सप्रेस कॉलर आई होप वो थमनेल आ जाए मैंने इससे पहले जो थमनेल लगाया हुआ था इस पर नाइन परसेंट क्लिक थ्रू रेट था वो वीडियो का इट्स सेल्फ अपना थम था और ये दिस वॉज द थम आई थिंक नो मतलब मैं आप लोगों को क्लोजली रिलेटेड बता देता हूँ कौन सा थमनेल था वो थमनेल कुछ ऐसा सा था दिस वन या आप ये वाला बोलें ठीक है और हम लोग को लग रहा था कि यार ये ज़्यादा अच्छा थमनेल है लोगों को ज़्यादा समझ आएगा इनिशियली तो इस वजह से ये थमनेल रख लें तो आप ये समझें कि नाइन परसेंट से गिर के एकदम आपकी जो क्लिक थ्रू रेट था वो जीरो पॉइंट नाइन ज़ीरो पॉइंट सिक्स परसेंट पर आ गया था और जब हमने फिर से कैंपेन चलाई अपनी नेक्स्ट तो हमारा वो वी मेड श्योर के मतलब हम उसको वापस उसी थंबनेल पे लेके जाएं और हम लोग का जो था क्लिक थ्रू रेट वापस से नाइन परसेंट फाइव परसेंट फोर परसेंट पर आ गया था तो मैं आप लोग बस एक केस बता रहा था कि लोग फिर इसको तीन से चार लेवल्स पे मजीद और इसको ब्रेक uh, डाउन करते हैं वीडियो टेस्टिंग या क्रिएटिव टेस्टिंग नंबर टू थम टेस्टिंग नंबर थ्री जो एड कॉपी है जो द डिस्क्रिप्शन दैट गोज ऑन टॉप ऑफ योर एड सही है जो आप लिखते हो कि हमारी ऑफर ये है लिमिटेड टाइम ऑफर फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड दिस एंड दैट जो भी आप सारी चीज़ें लिख रहे होते हो और तारीफें लिख रहे होते हैं प्रोडक्ट की लोग उस एड कॉपी में भी टेस्टिंग करते हैं मतलब ऐड क्रिएटिव सेम है थम सेम है नीचे हेडलाइन सेम है अब सिर्फ एड कॉपी चेंज है और फिर लोग इसको हेडलाइन में भी टेस्टिंग करते हैं तो हेडलाइन और एड कॉपी से रिलेटेड हमारे पास फिर भी कुछ काफ़ी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं एंड इफ़ यू गो एंड सर्च अबाउट इट कि भाई एड कॉपी कैसी होनी चाहिए तो यू कैन फाइंड रिलिवेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई इसकी सक्सेस स्टोरी तो ये है लेकिन वीडियोस प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं मार्केट में और उनकी इतनी सारी वीडियोस होती हैं कि उसमें आपको टेस्टिंग करे बगैर आपको प्रोसीड नहीं करना चाहिए थंबनेल और मैं अगर आपको बोलूंगा बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की तरफ मत जाए मतलब क्रिएटिव आप टेस्टिंग जितनी करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट आएंगे अगर आपका ब्रांड है तो ठीक है ड्रॉप शिपिंग में यू लूजिंग द अपॉर्चुनिटी तो मैं आप लोग को यह बोलूंगा कि बेस्ट तरीका यह है कि आप टेस्टिंग करो दो लेवल्स की टेस्टिंग कर लो मैक्सिमम वरना एक लेवल की कर लो अगर बजट कॉन्सटेंट्स हैं एक लेवल की टेस्टिंग कर लो वीडियो टेस्टिंग या क्रिएटिव टेस्टिंग खत्म सेकेंड लेवल पे अगर आपके पास बजट कॉन्सटेंट्स नहीं है तो आप थंबनेल टेस्टिंग कर लो Uh, या अगर आपके पास सेल्स आना शुरू हो गई है प्रोडक्ट की और आप बोलते हो कि मुझे सेल्स मजीद स्केल करनी है विद द विनर एड तो तब आप मजीद वो मजीद टेस्टिंग्स कर सकते हो डिफरेंट लेवल्स पे ताकि आपको पता चले विच थमनेल इज़ वर्किंग फॉर यू एंड विच इज़ नॉट ठीक है सो दैट्स पिटी मच इट फॉर क्रिएटिव टेस्टिंग आई होप यू गाइस गेट द जस्ट ऑफ इट एंड आप लोगों को समझ आ गया होगा और आई ट्राई टू कीप इट एज डिटेल्ड एज पॉसिबल एंड इनशा We'll yeah. meet you in the next video then. Okay, take care. Allah Hafiz.